एवरी वन अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। इस साल आप लोगों की हर ख्वाहिश पूरी हो, अल्लाह ताला आप लोगों की हर ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा, जिसके लिए मैंने 1 कप सूजी ले लिया है और 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी ले लिया है। और यह कुछ मैंने बादाम, थोड़ा किशमिश, ड्राई फ्रूट्स ले लिया है मैंने। आइए मैं घी, अब चले हम बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो पहले हम चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक पतीले, छोटे से पतीले में पानी डाल दूंगी, 2 कप पानी डाल दिया। इसमें अब हम चीनी को डाल देंगे। चीनी को हम चाशनी नहीं बनाएंगे, ये चीनी घुलने तक हम इसमें घुलने देंगे। 2 से 3 दाना हमने इलायची का ले लिया है, इलायची इसको हमने कूट दिया, इसी में हम डाल देंगे। इसको हम हल्के हल्के हाथों से चला लेंगे। बिल्कुल हमारा ये चीनी का जो पानी, चीनी पानी बिल्कुल खौल चुका है। इसे हम 1 तार या 2 तार नहीं बनाएंगे, ये इसे सिर्फ चीनी या पानी को हम खौलाएँगे। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पर। अब इसे हम, हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें हम अभी सूजी को बिना घी के हम भून लेंगे। बिना घी के अभी हम इसे भूनेंगे। इसे अच्छा दानेदार बनने के लिए हम बिना घी का भूनेंगे 2 मिनट तक। सूजी हमारा हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है, देखिए। इसे हमने बिना घी का भूना है। ऐसे हम अब निकाल देंगे, उसके बाद घी डाल के इसमें हम बाकी का घी डाल के हम भुनेंगे। हमने कटोरे में सूजी को निकाल लिया है, अब हम इसमें घी डाल के तब फिर से भुनेंगे। देखिए हमने बड़े चम्मच से, बड़े टेबल स्पून से, इस स्पून से मैंने 1 चम्मच घी लिया पूरा भर के। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, इसमें हम सूजी को डाल देंगे। अब इसे हल्के हल्के हाथों से भून लेंगे बिल्कुल एकदम ब्राउन होने तक। इस हल्के आंच पे मैंने 4 से 5 मिनट तक सूजी को बिल्कुल भून लिया। देखिए हमारा सूजी का बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है, इसमें ब्राउन कलर आ चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें चीनी का पानी डाल देंगे। इसमें अब चीनी का पानी डाल देंगे। इसे हम बिल्कुल चलाते रहेंगे। इसको हम बिल्कुल हाई फ्लेम पे भून लेंगे, बढ़िया से चला लेंगे पानी सूखने तक। हलवा बनके बिल्कुल रेडी। इसे हम और अच्छी तरीके से भून लेंगे। इस स्टेज पे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अच्छे से हम मिला लेंगे। गैस को हम ऑफ कर देंगे। ऐसे हम दिखाते हैं आप लोगों को डिश आउट करके। देखिए कितना टेस्टी और यम्मी हलवा बनके बिल्कुल रेडी है। एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें। कितना अच्छा बनके बिल्कुल रेडी है हमारा हलवा। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को तो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सबा मिराज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, 1 लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।